सब्सक्राइब करें अरीबा किचन को। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी अंडा भुर्जी। तो देखिए, इसके लिए मैंने ये लौकी ली है जिसे मैंने बारीक बारीक कद्दूकस से कट कर लिया है, कस लिया है उसे अच्छे से और उसे वॉश भी कर लिया है, तो देख सकते हैं आप। और ये दो अंडे लिए हैं और एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है और बाकी इन्ग्रीडियंट्स चलो बताते हैं आगे क्या करना है। मैंने एक पैन रख दिया है, ये पैन अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें तेल ऐड कर देती हूँ। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। सो फ्रेंड, देखिए पैन हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ज़ीरा ऐड कर देते हैं, तो करीब एक आधा चम्मच हम ज़ीरा ऐड कर देंगे। ज़ीरा अच्छे से भुन गया है, अब इसमें हम ऐड कर देते हैं प्याज। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो ये फ्राई हो चुकी है, अब इसमें हम ऐड कर देते हैं लौकी। इसको अच्छे से खूब पकाएंगे। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से हम इसे बनाएंगे, बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो इसे हम लौकी को अच्छे से खूब पका लेंगे, इतना पकाएंगे कि अच्छे से ये गल जाए। इसको हम स्लो आंच पर 10 से 15 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे ताकि अच्छे से गल जाए। तो देखिए फ्रेंड, हमारे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और अच्छे से ये पक भी गई है। अब इसमें हम डाल देते हैं नमक, आधा चम्मच करीब हम इसमें नमक ऐड। नमक तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना है, आपको जैसा चाहिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देते हैं एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स मैंने नहीं डाले हैं इसमें, ये बहुत आसान है इसे बनाना। ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ही नहीं बनाया है, तो आप इसे एक बार ज़रूर बना कर देंगे। जिसको लौकी पसंद नहीं है वो इस तरह से अंडा लौकी भुर्जी बना सकता है। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं अंडे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से पका लेंगे। तो देखिए इस तरीके से चलाएंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसमें हम इसको 10 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि इसका कच्चापन सारा निकल जाए। इसमें हम थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डाल देते हैं ताकि इसका कलर अच्छा आ जाए, इसीलिए हम इसे डाल देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। में थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसे पकने देंगे 10 मिनट के लिए करीब। ताकि ये अच्छे से और पक जाए, स्लो आंच पर ही पकाएंगे इसे। देखिए फ्रेंड, ये बनकर बिल्कुल रेडी है अंडा लौकी की भुर्जी। अब इसको हम अच्छे से गार्निश कर देते हैं हरे धनिए से और गैस को कर देते हैं बंद। इसे हम एक बॉल में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, मेरी लौकी अंडा की भुर्जी बिल्कुल रेडी है बनकर, बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी इसका टेस्ट आया है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स से नहीं बनाई है और आप आसानी से इसे बना सकते हैं।
तो प्लीज़ आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।